हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं। एक्चुअली प्रोग्रामर्स दो तरह के होते हैं, एक तो प्रोग्रामिंग जो सीख चुके होते हैं और वो डेवलपमेंट फेज में काम कर रहे होते हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, और दूसरी प्रोग्रामर्स की कैटेगरी जो होती है वो जो प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं वो उस कैटेगरी में जाते हैं। दैट मीन्स एक तो सीख चुके हैं और एक सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं जो प्रोग्रामिंग सीख रहा है, ठीक है। एक्चुअली जिसको प्रोग्रामिंग एकदम ही नहीं आती है और उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया है, या जिसको आती भी है, वो भी जब डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। और एक्चुअली बहुत सारे लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं उनको बोलता हूँ कि आप दो नंबर्स का सम कर दीजिए अपने प्रोग्राम की हेल्प से, या एक नंबर है उसको चेक कर दीजिए कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किसी बड़े प्रोग्राम को, दैट मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, उसको कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए उसको सॉल्व करने वाले करने के लिए। ये वीडियो सारे प्रोग्रामर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, या आप कोई भी काम करते हो तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके पास अगर एक बड़ा सा क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, और कैसे सॉल्व करने के बाद उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करोगे अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू कितनी इजिली, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, दैट मीन्स बड़ा का मतलब ये नहीं कि आप उसकी हाइट और विड्थ काउंट करने लगोगे, दैट मीन्स आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिलता है और अगर आपको लगता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डायरेक्ट आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने मत बैठ जाइए, ठीक है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सोचिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको वहाँ पे समझाता हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम। तो जैसा कि हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग आ गए हैं, मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिला। तो सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिल चुका है, बहुत बड़ा जटिल प्रॉब्लम मिल चुका है, और खास ज़्यादातर लोग इसको देख के डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट, आप समझ लो यहाँ पे हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो, तो आप डायरेक्ट आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने लगना है, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व नहीं करने लगना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे, स्मॉल चंक्स में आप डिवाइड करोगे, स्मॉल चंक्स में आप डिवाइड करोगे। दैट मीन्स बड़ी चीज को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लोगे, एंड ट्राई टू सॉल्व स्मॉल चंक्स ऑफ प्रोग्राम। आप छोटे छोटे हिस्सों को सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करो एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम सॉल्व करोगे तो ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल चंक्स ऑफ प्रोग्राम। आपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से आपको आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो सपोज आपने क्या किया, आपके पास एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको आपने स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया बड़ी सी प्रॉब्लम को। अब ट्राई टू सॉल्व स्मॉल स्मॉल चंक्स, ट्राई टू सॉल्व स्मॉल चंक्स, ठीक है। आपको क्या करना है, अब सारा दिमाग, सारा लॉजिक आपको छोटे छोटे वाले जो आपने टुकड़े डिवाइड किए थे उन पे लगाना है, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जब छोटे छोटे टुकड़े आपके सॉल्व हो जाए, उसके बाद आपको कंबाइन कर देना है सबको, पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व, अपनी अपने आप से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने बड़े प्रॉब्लम को ही छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया था और उन छोटे छोटे पार्ट्स को आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें ये, हम अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को कंबाइन कैसे करेंगे एक साथ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लेट अस सपोज आपके पास एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैं क्या करता हूँ इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, ठीक है। मैं प्रॉब्लम को ऐसे बना लेता हूँ, ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है जो कि काफी बड़ा था, ठीक है। आपने इसके चार पार्ट्स किए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, हमारा दिस इज माई फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज माई सेकेंड पार्ट
एंड दिस इज माय थर्ड पार्ट एंड दिस इज माय फोर्थ पार्ट। आपने क्या किया, चार हिस्सों में, चार पार्ट्स में आपने बड़े प्रॉब्लम को चार टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। अब आपको करना क्या है, जब आप इस वाले टुकड़े पे काम कर रहे हो तो आपको दो चीज इंपॉर्टेंट करनी है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वो तो ठीक ही ठीक है, आप इनको सेपरेट आइसोलेटेड कैसे करोगे, सबसे पहले चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको क्या इनपुट चाहिए। ठीक है, क्या इनपुट चाहिए जिससे जब इस प्रॉब्लम को कॉल करो, कहीं भी कॉल करो, तो आप उसे इनपुट प्रोवाइड कर पाओ और ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमें क्या आउटपुट देगा, ये दो चीज आप डिफाइंड कर लो। ठीक है, ये दो चीज आप डिफाइन कर लो और यही होते हैं, सपोज दिस इज योर मेन प्रॉब्लम। तो अगर आपने डिवाइड किया तो अपने प्रोग्राम में आप डिवाइड करते हो फंक्शन से, ठीक है, फंक्शन या मेथड से। तो सपोज दिस इज योर मेथड, तो मेथड में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज उसके आर्गुमेंट्स और दूसरी चीज उसका रिटर्न टाइप, वो रिटर्न वैल्यू या रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, तो दो चीज आप डिसाइड कर लो सबके, इसका प्रॉब्लम, इसका भी इनपुट और आउटपुट, दैट मीन्स इसका भी रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स क्या मुझे पास करना है वो क्या देगा। इसी तरह आप सारे प्रॉब्लम्स को क्या कर लो, यहाँ से सॉल्व कर लो और सबके आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद आप मेन में काम करना स्टार्ट करो और जब आप काम करने जा रहे हो फिर जब इसकी जरूरत पड़े इसको कॉल कर लो, इसकी जरूरत पड़े इसको कॉल कर लो, इसकी जरूरत पड़े इसको कॉल कर लो और फिर इसकी जरूरत पड़े तो इसको कॉल कर लो। अब आपको पता ही है कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे में आपने तोड़ दिया था, अब उन फंक्शंस को सिर्फ आपको कॉल करना होगा। तो जब भी जरूरत पड़े एक बार कॉल कर सकते हो, दो बार कॉल कर सकते हो, तीन बार कॉल कर सकते हो, चार बार कॉल कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन होते हैं कोड रियूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो कोड रियूजेबिलिटी दैट मीन्स एक बार फंक्शंस आप लिख दोगे तो बार बार उन फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। तो मैं हमेशा स्टार्टिंग से यही अप्रोच फॉलो करता हूँ, मेरे पास कोई प्रोग्राम आता है कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस प्रोग्राम को सबसे पहले ये सोचता हूँ कि उस प्रोग्राम को कैसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ा, दो फंक्शन बनाना पड़ा, तीन फंक्शन बनाना पड़ा, मैं क्या करता हूँ उस फंक्शंस उनको फिर फंक्शंस बना बना के ही काम करता हूँ। मैं पहले अलग अलग से फंक्शंस बना लेता हूँ, फिर मेन मेथड में क्या करता हूँ उन फंक्शंस को कॉल कर लेता हूँ, तो हमारा काम हो जाता है। अब उसको फंक्शंस बनाने का एक और फायदा है, एक बार कॉल करो, दो बार कॉल करो, चार बार कॉल करो, आपकी कोड रियूजबिलिटी भी आसानी से हो जाएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्ट मत सॉल्व करो, अदरवाइज सॉल्व तो हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं अगर आप एक ही बार में पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे। उसके बाद आपका जो कोड होगा वो रियूजेबल भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर दी, एक ही बार आपने सारा चीज़ लिख दिया, दैट्स इट, दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा वही काम। तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे मैं अप्रोच करता हूँ। तो मैं एक सिंपल प्रॉब्लम उठाता हूँ और उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे क्या करना है, जिसमें मुझे एक से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं, एक से लेके 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, एक से लेके 100 तक सारे प्राइम नंबर्स स्टार्ट प्रिंट करने में। अब लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मोस्टली एक से लूप चलाएंगे, वो सब कुछ सही करेंगे, एक से लेकर 100 तक लूप चलाएंगे और आई को निकालेंगे और आई को चेक करने लगेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो लूप के अंदर आपको जो लॉजिक है वो लूप के अंदर रखना है, मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक से 100 तक प्राइम नंबर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लूप चलाता हूँ फ्रॉम 1, तो हम लिखेंगे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 100 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आई में 1 आएगा, ठीक है, तो आप यहां मार्क कर लीजिए आई में सबसे पहले 1 आएगा। अब आपको आई को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, अगर आप आई को चेक कर लोगे कि वो प्राइम है नहीं, अगर प्राइम होगा तो उसको प्रिंट कर दो, क्या यस इट इज अ प्राइम नंबर, तो आप उसको प्रिंट कर दो, अगर आई प्राइम नंबर नहीं है तो आप उसको मत प्रिंट करो, यही लॉजिक सिंपल आपको लगाना है। तो आप यहां पे पूरा प्राइम का लॉजिक लिख सकते हो, बट मैं ये नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, आप खुद सोचो कि कितना अच्छा होता है कि अगर मेरे पास यहां पे एक इंसान होता जिसका नाम होता इज प्राइम, ठीक है, इज प्राइम ये इंसान का नाम, और इसको हम एक नंबर दे रहे हैं और ये मुझे बता रहा है यस और नो के रूप में दो चीज की, जो नंबर आप दे रहे हो प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे आई को चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं, तो आपके दो तरीके, या तो आप यहीं पे कोड लिख दो या इस प्राइम को कॉल कर लो यहाँ पे। तो अगर मैंने ये अलग से फंक्शन बना लिया तो कितना अच्छा होगा, आप खुद सोचो। यहाँ पे आप लिख दोगे इज प्राइम,
आप इस प्राइम को कॉल करो, और किसे चेक करना है, आई को, तो आप सिंपली आई पास कर दो और ये इस प्राइम बाकी का काम कर देगा। यहाँ पे इस प्राइम क्या करेगा, आई आई को चेक कर लेगा कि प्राइम है कि नहीं, और आपको यहां मिल जाएगा यस और नो। तो आप इस यस नो को एक बी बुलियन वैल्यू में रख लो और फिर इफ लगा दो, इफ बी की वैल्यू अगर आपको ट्रू मिली है उस केस में आई है भैया प्राइम, अदरवाइज कुछ मत करो। इतना सिंपल है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो मेन आपका प्रोग्राम है इस मेन के अंदर दो ही लाइन होंगी, या दो ही लाइन या एक लाइन भी लिख सकते हो, इस प्राइम कॉलिंग की लाइन होगी, जो मेन काम होगा आपका एक फंक्शन अलग होगा। तो सिंपली मुझे प्रिंट करना था एक से लेके 100 तक नंबर्स। अब मैंने क्या किया, मैंने मेन जहां से स्टार्टिंग किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने प्रोग्राम में मुझे लगा कि मुझे इस प्राइम बार बार कॉल करना है, दैट मीन्स मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ इस प्राइम का अलग से। तो इस प्राइम का मैं एक फंक्शन बना लूंगा, ठीक है। फिर अब आई के लिए मैं हर बार फंक्शन को कॉल करता रहूंगा। तो इस फंक्शन बनाने का आपका फायदा होगा कहीं ना होगा, क्योंकि बार बार आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो और कोडिंग करने भी आपको आसान हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन है अलग से, इस प्राइम का लॉजिक है और फिर आप उसको कॉल कर रहे हो। इसी तरह आपको यहाँ पे 10 लॉजिक चाहिए होते तो हर बार 10 फंक्शन आप बना लेते, उसको कॉल कर लेते, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें उतने अच्छे से आप सीखोगे। मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे IntelliJ IDE ओपन है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक जावा की क्लास बना लेता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और जावा की क्लास, और मैं यहाँ पे प्रिंट प्राइम नाम से क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट प्राइम नाम से क्लास बना लेता हूँ जावा की, और ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक से लेकर 100 तक सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो देखते हैं कितना सिंपल है। तो सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए आपको मेन मेथड लिखना पड़ेगा, तो मेन मेथड लिख देते हैं भाई। मेन मेथड लिख दिया। अब आपको एक से लेकर 100 तक का चाहिए, तो हम सिंपली लगाएंगे यहाँ पे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 100 एंड आई प्लस प्लस। सिंपल, इतना आसान है लूप लगाना, ठीक है। अभी एक से लेके 100 तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे, पर आई को चेक करना है प्राइम है कि नहीं है। तो सिंपली आप इफ लगाइए और क्या करिए, ऐसा ही सपोज आपके पास एक इंसान है, एक मेथड है जिसका नाम है इज प्राइम, और आपने आई दे दिया इसे और इसने बता दिया कि ये आई प्राइम है कि नहीं है। तो आप क्या करो, सिंपली आप इसको एक बुलियन वैल्यू में स्टोर कर दो, आप बी में आपका आंसर रखा है तो आप चेक कर लो इफ बी की वैल्यू ट्रू है, इनकेस ट्रू है तो आपको प्रिंट करना है। तो आप लिखिए system.out.println b, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, इतना काम करना है। और जावा यूज करो तो जावा में ये ट्रू बराबर चेक करने की जरूरत भी नहीं। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये फंक्शन आपने बनाया नहीं, ये इंसान आपने नहीं बनाया, बट इंसान को आपने कॉल कर लिया। तो आप ऊपर चलिए और इस प्राइम फंक्शन को बनाइए। तो सिंपली आप इसे नंबर दे रहे हो और ये मुझे रिटर्न वैल्यू बुलियन रिटर्न कर रहा है, तो आप लिखो पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मुझे डायरेक्ट कॉलिंग करनी है, और फिर रिटर्न टाइप मुझे रखना है बुलियन, और इसका नाम मुझे क्या रखना था, इस प्राइम, इसको मुझे देना था इंटीजर n। सिंपल। अब देखो, अब आपको यहाँ पे प्राइम का लॉजिक लगाना है, तो आप फैक्टर्स को काउंट करो। फैक्टर्स को काउंट करने के लिए आप c की वैल्यू 0 ले लो फैक्टर्स को काउंट करने के लिए, और फिर आप लूप चलाओ इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, i प्लस प्लस, और इफ अगर जो n है वो डिवाइड हो रहा है i से, उस केस में फैक्टर है हमारा i, तो हम क्या करेंगे, c को प्लस प्लस कर देंगे। एंड आफ्टर लूप के बाद आपको क्या करना है, इफ अगर c की वैल्यू 2 हुई, दैट मीन्स इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, दैट मीन्स रिटर्न हमें करना है ट्रू, और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, दैट मीन्स हमें रिटर्न करना है एल्स में, रिटर्न करना है हमें फॉल्स, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा प्राइम का लॉजिक नहीं समझ में आया तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना लूंगा। तो सिंपली आपके पास एक फंक्शन है, मतलब अलग पार्ट है, ये बड़े प्रोग्राम का छोटा वाला पार्ट है, ये चेक कर रहा है प्राइम नंबर्स है कि नहीं। तो इसी फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। सिंपली अब आप इस प्रोग्राम को रन करिए, और रन करने के बाद आपको सारे प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे एक से लेके 100 के बीच में, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे हो रही है, तो वेट कर लेते हैं, प्रोग्राम हमारा रन हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट बी को प्रिंट कर दिया है, तो आपको बी यहाँ नहीं प्रिंट करना, आपको यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। अब आप क्या करिए, फिर से राइट क्लिक करिए और सिंपली रन कर दीजिए, तो आप देख पाओगे 2 इज अ प्राइम नंबर, इसके 2 ही फैक्टर हैं, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5, 7, 11, 13, 12,
23, 29 एंड लास्ट वन इज 97, 89, 97, ये सारे हमारे प्राइम नंबर है एक से लेके 100 के बीच में। अब आप इस नंबर को वेरी करिए, आपको 1000 के बीच में चाहिए तो यहाँ पे 1000 कर दिए, तो एक से लेके 1000 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे 1000, एक से लेके 1000 के बीच में सारे प्राइम नंबर है। तो मुझे लगता है इस वीडियो का मोटो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और एक बार कंक्लूजन बता देता हूँ आपको। बड़ी चीज़ को, कोई भी बड़ी चीज़ हो, कोई ज़रूरी नहीं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही हो, अगर आपको बड़ी चीज़ सॉल्व करनी है तो आपको छोटे छोटे चंक्स में चीज़ों को डिवाइड करना होगा, छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व करनी होगी, फिर आपको कंबाइन करना होगा। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे मर्ज शॉर्ट कॉम कर दिए, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर पता होगा। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में चीज़ों को डिवाइड करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा इस वीडियो से कैसे अप्रोच करना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए लोगों के बीच में, उनको भी ये चीज़ें पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।